बिहार में क्राइम का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बात अगर वैशाली जिले की करें तो जिले के लालगंज में एक्सिस बैंक में 98 लाख रुपए लूट का खुलासा भी नहीं हुआ था। जिला मुख्यालय हाजीपुर में 15 लाख रुपए की लूट हो गई। क्राइम का मामला यही नहीं थमा, बल्कि कुछ दिन बाद ही इसी जिले के पातेपुर में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। इस घटना का भी महीना दो महीना नहीं बीता था कि फिर एक बार लालगंज में अपराधियों ने एक जनप्रतिनिधि को निशाने पर ले लिया। इस बार अपराधियों के निशाने पर पैक्स अध्यक्ष सह पूर्व मुखिया पति रहे। लालगंज के घटारो दक्षिणी पंचायत के पूर्व मुखिया आरती देवी के पति सह पैक्स अध्यक्ष ललन सिंह पर आज सुबह तकरीबन 7 बजे करताहा थाना क्षेत्र के घटारो चौक पर एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 अपराधियों ने उस वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जब ये घर से टहलने निकले थे। जिस वक्त गोली चली उनके साथ 2 अन्य लोग भी मौजूद थे जो भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस बीच दिन दहाड़े गोली मारकर अपराधी हाजीपुर की ओर भागने में सफल रहे। यानी दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपराधियों का तांडव कभी भी कहीं भी देखने को मिल सकता है। एक के बाद एक होते बड़े अपराध पर भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार में अपराधी किसी भी वारदात को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं और शासन प्रशासन पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। वहीं बात घायल पैक्स अध्यक्ष की करें तो जानकारी के मुताबिक गोली उनके पीठ और कमर के समीप लगी है, जिससे उनकी स्थिति नाजुक हो गई है। गोली लगने के बाद उन्हें हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया है। घटना के बाद लालगंज इंस्पेक्टर उमा सिंह, करताहा थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार, लालगंज थानाध्यक्ष धनंजय पांडे, भगवानपुर थानाध्यक्ष रामकृष्ण परमहंस, बेलसर ओपी प्रभारी सुनील कुमार, वैशाली थाना प्रभारी चंद्रगुप्त समेत कई पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल से 2 खोखा भी बरामद किया गया है। देखिए, ये बिहार में बेलगाम अपराध की घटना जो बढ़ी है उसी का ये प्रतिबिंब है। आज अपराधियों ने ललन सिंह जी जो पूर्व मुखिया है उनको उनकी हत्या करने का प्रयास किया है और ये अपराध है, प्रशासन विफल है और हम तो गिरफ्तारी की मांग करेंगे कि जल्द से जल्द अपराधी पकड़े जाएं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, अभी तो वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है, इसलिए इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में निश्चित रूप से अपराधियों को पकड़ा जाना चाहिए और अपराधी बेलगाम है, शासन और प्रशासन विफल हो रहा है, ये सरकार पूरी तरह विफल है। घटना क्या है, क्या जानकारी? लगी है मुखिया जी को, जितना अभी आने दीजिए इनको, सभी को बता दीजिए, हम लोग कोशिश करें जितना हद तक सब चीज़ सीसी फुटेज सामने आए, सब सामने सीसी फुटेज हम लोग।